हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको एपी कल्चर या मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि टीजीटी पीजीटी नीट सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एपी कल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। हनी बी बिलोंग टू ऑर्डर हिम्नोप्टेरा, यानी कि जो हनी बी या मधुमक्खी होता है वो हिम्नोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है और इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी कि 4 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बी। कौन कौन से 4 स्पीसीज होते हैं मधुमक्खी के, यहाँ पर हम देखते हैं एपिस डॉर्साटा। एपिस डॉर्साटा को हम रॉक बी कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, यानी कि लार्जेस्ट बी अगर देखा जाए तो कौन सा होता है, एपिस डॉर्साटा, इसे हम रॉक बी कहते हैं। दूसरा है एपिस इंडिका, इसको हम लोग इंडियन बी या इंडियन मधुमक्खी कहते हैं, जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज होती है। तीसरा है एपिस फ्लोरिया, ये लिटिल बी या स्मॉलेस्ट बी होता है, यानी कि सबसे छोटी मधुमक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस फ्लोरिया। और एपिस मेलिफेरा जो होता है इसको हम लोग यूरोपियन बी कहते हैं। और यदि अगर हम मधुमक्खी के मेंबर्स की बात करें तो ये जानते हैं एक प्रकार के सोशल लाइफ व्यतीत करते हैं, यानी कि ये सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। और मधुमक्खियों में 3 वेराइटीज पाई जाती है, इसमें 3 मेन मेंबर होते हैं, एक होता है क्वीन बी, एक होता है वर्कर और एक होता है ड्रोन या मेल। एक छत्ते में क्वीन बी की संख्या 1 या 2 होती है, इसकी संख्या सिंगल या कभी कभी 2 हो सकता है। और ये फर्टाइल होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, अर्थात ये डिप्लॉयड होते हैं। वर्कर जो होते हैं किसी भी छत्ते में इसकी संख्या हज़ारों में होती है, यानी कि 1000 होते हैं। और ये स्टराइल होता है, परंतु ये डिप्लॉयड होता है, अर्थात इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32। अगला होता है ड्रोन, या इसको मेल कहते हैं, इसकी संख्या 100 होती है, अर्थात 100-200 होते हैं। और ये फर्टाइल होते हैं, जो कि हैप्लाइड होते हैं, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16। तो ये सबसे बड़ी मक्खी दिखाया गया है, यानी कि मेंबर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो मक्खी होती है वो रानी मक्खी होती है, और उससे जो छोटा होता है वो होता है वर्कर, और सबसे छोटा जो होता है वो आता है ड्रोन। और अगर हम माउथ पार्ट की बात करें तो मधुमक्खी का जो माउथ पार्ट होता है वो चेविंग एंड लैपिंग टाइप का होता है, अर्थात ये इनका जो माउथ पार्ट जो होता है वो चेविंग और लैपिंग टाइप का होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है या महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वार्मिंग। स्वार्मिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लीविंग ऑफ द कॉलोनी बाई बी क्वीन बी टर्म इज स्वार्मिंग। जब रानी मक्खी क्या होता था, एक कॉलोनी को छोड़कर कोई नई कॉलोनी बसाता है तो पुरानी कॉलोनी को छोड़कर नए कॉलोनी की ओर जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग। एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वर्कर ड्रोन और क्वीन बी कितने दिनों में ये तैयार हो जाते हैं, कितने दिन इनका डेवलपमेंटल पीरियड होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द टाइम टेकन बाय क्वीन वर्कर एंड ड्रोन टू कंप्लीट देयर डेवलपमेंट इज 16, 21, 24 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रानी मक्खी जो होता है 16 दिनों में तैयार हो जाती है, यानी कंप्लीट हो जाती है। वर्कर जो होता है 21 दिन में, और ड्रोन जो होता है वो 24 दिन में तैयार होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं 16 दिन में रानी मक्खी, 21 दिन में वर्कर, और 24 दिन में जो होता है वो ड्रोन जो होता है वो अपना डेवलपमेंटल पीरियड पूरा कर लेता है। और इसके अंतर्गत जो होता है मेल, वो हैप्लाइड होता है, क्योंकि वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा डेवलप करता है, अर्थात ये बिना निषेचन के या बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाता है। अब बिना निषेचन के डेवलप होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा किसी मेल का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग टर्म देते हैं अर्हेनोटॉकी। अर्हेनोटॉकी का मतलब होता है कि जब बिना निषेचन के या विदाउट फर्टिलाइजेशन के मेल का फॉर्मेशन होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं अर्हेनोटॉकी।